कमी है ना। इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। इस थूक में जान है। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया, मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद ना। पर क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। IVTV देखता है इंडिया। पहचाना कि नहीं आप लोगों ने इनको, ये है वर्ल्ड फेमस मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, जिनके थूक में भी जान है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इन महाशय का कहना है। कोरोना है तो है, तो क्या हुआ, बाल काट रहे सरकार और थूक लगाकर, क्योंकि इनके थूक में जान है। जैसा लगता है कोरोना इनके सामने नतमस्तक हो जाएगा और कोरोना से मरते हुए लोगों में भी ये अपने थूक से जान भर देंगे। जय हो गुरु, जय हो, क्या बात है। एक काम कीजिए, कोरोना वैक्सीन को मारिए गोली और सरकार से कहकर आप ही को जिम्मेदारी दे देते हैं जान फूकने की। सरकार तो पागल है ना, कि कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी की बात कर रही है। समझदार तो आप है सरकार, कि बाल काट रहे हैं, ऊपर से थूक भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस थूक में जान है। देखा, मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं, शैंपू नहीं है। सही, ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो, और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस थूक में जान है, ये थूक ही मार रहा है। दरअसल मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को आखिर कौन नहीं जानता। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जावेद हबीब एक महिला पर थूकते हुए नजर आते हैं। दरअसल जावेद हबीब महिला की हेयर कटिंग कर रहे थे। हेयर कटिंग करते समय उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिस महिला पर थूक फेंका गया वो उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली है। वो एक ब्यूटी पार्लर संचालिका है। उन्होंने भारत के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर सिर पर थूकने का आरोप लगाया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता, वंशिका ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर है। मैं बड़ौद की रहने वाली हूँ और कल मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जावेद हबीब सर का, और उन्होंने ऑन दी स्टेज मुझे हेयर कट के लिए इन्वाइट किया, और उन्होंने इतना मिसबिहेव किया कि उन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया, मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद अभी। महिला ब्यूटिशियन की शिकायत पर मंसूरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। ये मुकदमा महामारी अधिनियम संबंधी धाराओं में दर्ज किया गया है। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद जावेद हबीब ने माफी भी मांग ली है। जावेद हबीब ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं दिल से माफी मांगता हूं। हबीब पर भारतीय दंड संहिता और महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 355 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वायरल वीडियो के सिलसिले में एक पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की थी। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है, मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं, और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा उसका ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। माफी वाफी तो ठीक है भाई साहब, लेकिन जरा ये बताइए कि आपके जान फूकने वाले थूक से अगर किसी की कोरोना की वजह से जान पर बन आती है तो फिर आपकी माफी किस काम की। एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, यही हाल हबीब का भी नजर आ रहा है। IVTV के लिए अंशुजा के साथ आशीष पराशर की रिपोर्ट। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पाशाजी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया।
आज हमारी कंपनी भारत की नंबर वन एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशा जी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकर्णी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशा जी बंगाली। बाबा पाशा जी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं, बाबा पाशा जी बंगाली।